हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर उदय शिव कुमार का जो आईपीओ आया था, उसका आज अलॉटमेंट होने वाला है। तो अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है, जीएमपी में बहुत ही भयंकर उछाल आपको देखने के लिए मिला है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना जीएमपी चल रहा है और इसका अलॉटमेंट आज आने वाले कितने बजे आएगा, किस तरीके से आपको देखना। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी मैसेजेस नहीं आता है तो डायरेक्टली आप लाइव अपना स्टेटस कैसे देख पाएंगे उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला। वीडियो को लास्ट तक बनाना दोस्तों। जिस तरीके से बात करें इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ था, 30 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भरा था, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं आपको आईपीओ मिलने के। लेकिन वहीं सामने उसके 60% का रिटेल कोटा रखा गया था, तो इससे चांसेस बनते आईपीओ आपको मिल जाए, ठीक है। तो अभी इसका लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे तो जीएमपी बहुत ही भारी उछाल आपको देखने मिलेगा, जो 10 रुपए के आसपास चल रहा था 15 रुपए हो गया, और जो लिस्टिंग गेन देख लीजिए 43% के आसपास हो गया। अगर आपने एक लोट के लिए अप्लाई यहां पर किया है तो 428 का लोट है फ्रेंड्स यहां पर, तो 428/15 अगर आप करते हैं एक लोट के लिए, अगर आपने अप्लाई किया तो 6420 रुपए का लिस्टिंग गेन आपको एक लोड पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम 50% के आसपास का लिस्टिंग गेन। 6000 का लिस्टिंग गेन दोस्तों कम नहीं होता है यहाँ पर। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, आपको कहाँ देखना। तो 428 का लोट अगर आपने एक लोड के लिए अप्लाई किया है और आज इसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, ठीक है, तो आपको कहाँ पर देखना है, तो आपको यहाँ पर चले जाना है मास सर्विस। इस तरीके से आपको लिख देना अपने ब्राउजर पर, मास सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले वाले पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। जैसे आप सबसे पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल आप करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आपके आईपीओ का नाम आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए सर्च डीपी क्लाइंट आईडी और सर्च पैन नंबर। तो मैं हमेशा पैन नंबर के द्वारा ही चेक करता हूँ अपना अलॉटमेंट स्टेटस, तो मैं पैन नंबर पर ही क्लिक करूँगा। जैसे आप पैन नंबर पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होता है, इस बॉक्स के अंदर आपको अपना पैन नंबर डाल देना, सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपना आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस बड़ी आसानी के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कब देखना है, 7 बजे या फिर 8 बजे के बाद। उससे पहले फ्रेंड्स आपके पास में मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो चुका है तो आपके पास में जो भी आपका अमाउंट होल्ड था वो डेबिट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आपका अमाउंट वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, इस तरीके के मैसेज आपके पास में आ जाएंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई भी मैसेजेस आपके पास नहीं आता और आपको कन्फ्यूजन है कि हमें अलॉटमेंट मिली है कि नहीं मिली है, तो इस वेबसाइट पर जो कि मैंने आपको बताया 7 बजे से 8 बजे के बीच में यहाँ पर जा करके आप बड़ी आसानी से अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख पाएंगे। तो दोस्तों जिसको भी आईपीओ अलॉट हो जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना, और किस किस को अलॉट नहीं हुआ वो किस तरीके से इस आईपीओ से अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं, इसके ऊपर हमारा शाम को नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, वो आप देख करके अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो भी आप अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से कमा पाएंगे फ्रेंड्स।